हेलो वेलकम बैक गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी यार। उम्मीद करता हूँ पहले की तरह बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं बैटमैन आरजे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गेम्स किंग आरजे। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर हम क्राउन एस या फिर कॉन्करर टियर तक जाते हैं तो हमें कौन कौन से रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे कि हमारा टाइटल हो गया, टैग हो गया और एंट्री इमोट हो गया, जैसे कि टीम इफेक्ट कहा जाता है। तो गाइस ये सारे रिवॉर्ड कहाँ से रिडीम करने होते हैं और इन्हें कैसे अपनी प्रोफाइल में सेट किया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ कुछ हिडन रिवॉर्ड भी मिलते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत। और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो गाइस हम आ चुके हैं सीजन के सेक्शन में और सबसे पहले आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे रिवॉर्ड दिख रहे हैं, जिन्हें कि हम सीजन टियर रिवॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। और ये सारी चीजें जो होती है जैसे आपको टियर कंप्लीट करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मैं डायमंड पे हूं तो मुझे डायमंड के रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं, आउटफिट मिल चुका है, गन की स्किन मिल चुकी है। गाइस होता क्या है, जैसे जैसे आपकी रैंक अप होती रहती है, यानी आप डायमंड से एस जाते हो, क्राउन जाते हो, कॉन्करर जाते हो, तो आपको नीचे के सारे रिवॉर्ड मिल जाते हैं, जैसे कि पैराशूट हो गया, नीचे आपको फ्रेम दिख रहा होगा कॉन्करर का, तो सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। इन्हीं के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो हम आ चुके हैं डिटेल में और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो डायमंड पे, तो डायमंड पे आपको बहुत सारे रिवॉर्ड दिख रहे हैं, जैसे कि गन की स्किन दिख रही है, उसके साथ साथ यहां पे आपको कुछ स्क्रैप दिख रहे हैं और सीजन कॉइंस दिख रहे हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्राउन पे, तो क्राउन पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि हमें यहां पे नेम टैग मिलता है और हमें इफेक्ट मिलता है, जैसे कि एंट्री इफेक्ट आप लोग बोलते हो, जबकि इसका नाम होता है टीम इफेक्ट, तो ये भी हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ साथ यहां पे सीजन कॉइन भी मिल रहे होते हैं, आप देख सकते हो ना, तो ये जो सीजन कॉइन है इनसे आप बहुत सारी चीजें रिडीम कर सकते हो, जिसके लिए पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो ये एंट्री इफेक्ट मिलता है जब आप क्राउन पे पहुंच जाते हो। अब गाइस ऐसे जब आप एस पे जाते हो या फिर उसके आगे जाते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब गाइस ये जो एंट्री इफेक्ट है बहुत ज्यादा स्पेशल होता है और इसके लिए काफी लोग कंफ्यूज थे कि ये जो एंट्री इफेक्ट है परमानेंट होता है या फिर एक सीजन के लिए होता है, तो इसकी भी मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दी कि कब तक वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, तो उस वीडियो को भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस जैसे जैसे हमारा लेवल अप होता रहता है, जैसे कि हम एस पे जाते हैं, एस मास्टर पे जाते हैं, तो हमको लगभग जो हमारे एंट्री इमोट है थोड़ा सा अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि आप प्रीव्यू में जाकर के इसे चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एस टाइटल अलग से मिल रहा है, क्राउन पे आपको नेम टैग ही मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे टाइटल भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए एस तक काफी लोग जाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं और उसका एंट्री इमोट कुछ ऐसा वर्क करता है। तो गाइस मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जितने रिवॉर्ड्स हमें दिख रहे हैं कुछ हमें करंट सीजन में मिल जाते, यानी कि जिस सीजन में आपने एस क्राउन या कॉन्करर किया है कुछ रिवॉर्ड आपको उसी सीजन में मिलेंगे और कुछ आपको नेक्स्ट सीजन में मिलते हैं जब नया सीजन स्टार्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे कॉन्करर है और इसका जो टीम इफेक्ट है ना, एंट्री मोड है, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन हैकर्स की वजह से काफी लोग जा नहीं पा रहे थे, फिलहाल हैकर्स बैन होना स्टार्ट हो चुके, तो आप चाहो तो फिर से रैंक पुश कर सकते हो। तो अब गाइस मैं क्लियर कर देता हूं कि ये कौन कौन से रिवॉर्ड आपको इस सीजन में मिलेंगे और कौन कौन से नेक्स्ट सीजन में मिलेंगे। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो सी1 S3 में, यानी कि सीजन 3 में, तो अगर आप सीजन 3 में कॉन्करर, क्राउन या एस तक जाते हो, तो आपको ये जो फ्रेम दिख रहा है ना, फ्रेम है या फिर आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे रिवॉर्ड है, चलिए मैं दिखा देता हूं, ये जो रिवॉर्ड आप देख रहे हो ना, ये आपको इसी सीजन में मिल जाएंगे, यानी कि सी1 S3 में जब आप क्राउन पहुंचते हो तभी। और गाइस इसके साथ साथ आपको जो सीजन कॉइन मिलते हैं और स्क्रैप मिलते हैं, वो भी करंट सीजन में ही मिल जाएंगे, जिस सीजन में आप एस, क्राउन या कॉन्करर करते हो। लेकिन गाइस उसके साथ साथ बहुत सारे रिवॉर्ड हैं जो आपको नेक्स्ट सीजन में मिलेंगे, जब सी1 S4 लगेगा, यानी जब नया सीजन आएगा तो आपको पहले दिन ही मिल जाएगा। जैसा कि चलिए मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ना, ये जो सीजन कॉइन है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो स्क्रैप है, ये आपको इसी सीजन में मिलेगा जैसे जैसे आपकी रैंक अप होती है। लेकिन अगर आप क्राउन, एस या फिर कॉन्करर तक जाते हो, तो आपको ये जो नेम टैग दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है, एंट्री मोड दिख रहा है, उसके नीचे ये जो कॉइन दिख रही है ना, जो 1000 कॉइन दिख रही है, ये सब आपको नए सीजन पे मिलेगा जब सी1 S4 आएगा। अब गाइस आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन से रिवॉर्ड आपको इस सीजन में मिलेंगे और कौन आपको नेक्स्ट सीजन में मिलने वाले। अब गाइस चलिए मैं बताता हूँ कि इन्हें कैसे अपनी प्रोफाइल में लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना होगा और प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको तीन बिंदियां दिखेंगी, तीन लाइनें, और उन तीन लाइनों पर क्लिक करना होगा। अब गाइस इस पे क्लिक करने के बाद आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ से आपको अपना टाइटल चूज करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो सी1 S2 में मैं एस पे गया था और मैंने उसी टाइटल को सेलेक्ट कर रखा है। अब मुझे अपना कोई भी टाइटल चेंज करना हो, जैसे कि मैं नीचे आऊंगा तो देखिए मैं कई सारे सीजन में एस पे गया हूँ, सीजन 12, 13, 14, 15, मैं काफी सीजन में एस पे गया हूँ, तो मुझे जो भी सेलेक्ट करना होगा उस पर क्लिक करूंगा और नीचे यहाँ पे यूज का ऑप्शन है, उसे ओके कर दूंगा और ये यूज हो जाएगा। तो गाइस जैसे आपका नया सीजन आएगा, यानी सी1 S4 आएगा ना, तो आपको ये टाइटल मिलेगा और यहीं पर आकर के आपको सेलेक्ट करना होगा और वो फिर आपकी प्रोफाइल में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब गाइस यहाँ पे आ जाता है नेम टैग, तो नेम टैग पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको जो भी नेम टैग सेलेक्ट करना है इजी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको सेलेक्ट वही करना होगा जो आपने करंट में अचीव किया होगा, जैसे कि अगर आप सी1 S3 में एस, क्राउन, कॉन्करर जाते हो तो आपको यहीं पर वो ऑप्शन दिखेगा और आपको अपनी प्रोफाइल में आकर के सेट करना पड़ेगा। और गाइस ये सारी सेटिंग करने के बाद ही आपका एंट्री मोड भी वर्क करने लगता है, लेकिन अगर आपका एंट्री मोड वर्क नहीं करता है तो आपको सिंपली करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले
पे आना होगा, यहाँ पे नीचे आपको इन्वेंट्री दिखाई दे रही है, इन्वेंट्री पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा एंट्री मोड। तो ये जो टीयर पे है ना, इसे आपको टीयर पे ही रहने देना है, एक्स सूट पे नहीं करना है। अगर आपके पास एक्स सूट है तो आप एक्स सूट वाला एंट्री मोड लेना चाहते हो या फिर टीयर वाला लेना चाहते हो, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपका इजिली एंट्री मोड भी वर्क करने लगेगा। तो गाइस मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड को भी वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।